जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय में। दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है और प्रश्न ये है कि कौन सा पक्षी होता है जिसकी आंखें मनुष्यों के समान होती है। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पिछले वर्ष में पूछे गए EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज के इन सवालों को हल कर जानेंगे अपनी तैयारी का स्तर। तो चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना ही क्रिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा एवं क्रिया दोनों, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है वह संज्ञा एवं क्रिया दोनों है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुछ स्थान और अत्यधिक पसंदीदा भोजन से संबंधित है। यानी दोस्तों, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि गोवा, कश्मीर, केरल, हांगकांग, और साथ ही साथ इसमें जो मतलब कि यहाँ पे फेवरेट जो भोजन होता है, पसंदीदा भोजन कि छोला भटूरा, पकाया हुआ सांप, करी के साथ उबला टेपियोका, नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली, सरसों के तेल में बनी मछली। दोस्तों, इसका ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। बात करें दोस्तों गोवा, तो गोवा में दोस्तों नारियल के तेल में समुद्री मछली को पकाया जाता है, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को पकाया जाता है, और केरल में दोस्तों करी के साथ उबला टैपियोका होता है, और हांगकांग में पकाया हुआ सांप खाते हैं जिसे दोस्तों ल्यूफेन कहा जाता है। और बात करें दोस्तों छोला भटूरा दोस्तों पंजाब का पसंदीदा भोजन है। एक बार फिर से हम दोस्तों बता दें आपको कि गोवा में नारियल के तेल में समुद्री मछली को पका के खाया जाता है, कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली को पका के खाया जाता है, केरल में करी के साथ उबला टैपियोका होता है, और हांगकांग में जो होता है वह पकाया हुआ सांप खाते हैं जिसे कि ल्यूफेन कहा जाता है। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए थे? चीन से, दक्षिणी अफ्रीका से, दक्षिणी अमेरिका से, अफगानिस्तान से। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दक्षिणी अमेरिका से। दोस्तों, मिर्ची हमारे देश में प्रत्येक भाग में क्या किया जाता है, इसको एक मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसको व्यापारियों ने कहां से लाया था, तो इसे दक्षिणी अमेरिका से लाया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, और थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों, बात की जाए गुजरात के निकटवर्ती राज्य की, तो गुजरात के जो निकटवर्ती राज्य है वो है राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बात करें दोस्तों राजस्थान की राजधानी की, इसकी राजधानी जयपुर है जिसे कि दोस्तों पिंक सिटी कहा जाता है, और वहीं पर हवा महल भी है। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों क्या है, मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है, भोपाल है। और गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं हम कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही पूछा था। ऑप्शन में चील, बाज, गिद्ध, उल्लू। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उल्लू। दोस्तों, प्रत्येक पक्षी की जो आंखें होती हैं वो साइड साइड में होती हैं, लेकिन उल्लू की जो आंखें होती हैं ये सामने होती है, यानी कि मनुष्य की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं
कि तीन पक्षियों का समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में चार गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही एक पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। वह कौन सा है? बाज, कौवा, कबूतर, बाज, चील, गिद्ध, कबूतर, तोता, चील, कौवा, चील, बुलबुल। तो दोस्तों वो तीन पक्षी हैं आपके बाज, चील और गिद्ध। दोस्तों यह जो है हमसे 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि अंडमान द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? 2001, 2002, 2004, 2012। दोस्तों अंडमान के द्वीपों में सुनामी 2004 में आई थी। बात करें दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप कैपिटल की, सॉरी अंडमान निकोबार की कैपिटल, तो उसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। और दोस्तों फेसबुक की स्थापना भी 2004 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटककर मस्ती से सोता है। दूसरा ऑप्शन है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड ऑप्शन है, स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में यह केवल 2 पेड़ों पर ही रह जाते हैं। और तो दोस्तों इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए बी और बी सी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हम आपको राइट ऑप्शन बता दें, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्लॉथ जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं और इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको स्लॉथ के बारे में और भी चीजें बताते हैं। दोस्तों स्लॉथ हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी शौच करने के लिए, और यह अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 8 वृक्षों पर ही यात्रा कर पाता है। यानी कि इतना लेजी होता है कि सिर्फ 8 वृक्षों पर ही इसका जीवन पूरा समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने गांधी धाम से नगर कोइल के लिए 12 तारीख 10वां महीना 2001 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधी धाम से 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14 तारीख 10वां महीना 2001 को 10:30 बजे पहुंची। यदि गांधी धाम और नगरों के स्टेशनों की दूरी 2592 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल थी? दोस्तों हम इसका आपको सॉल्यूशन बता दें, सॉल्यूशन क्योंकि दोस्तों इसमें हम राइट तो कर नहीं पाएंगे। यहाँ दोस्तों देखेंगे कि 12:10 और 14:10 यानी कि 2 दिन की डिफरेंस है और समय में लगभग जब 2 दिन में बात किया जाए तो 2 दिन में टोटल हो जाएंगे आपके 48 घंटे, यानी कि 48 आवर हो जाएंगे। तो जब हम 2592 को 48 से भाग देंगे तो कुछ हमारा आंसर आएगा, और जो आंसर आएगा उसे हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, और मीटर पर सेकंड में जब चेंज करेंगे तो 5/18 से उसी को गुणा कर देना है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 15 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात। दोस्तों घाना नेशनल पार्क जो है यह राजस्थान में, कहाँ है? राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, और इसका जो ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है गैरसैंण, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और घाना नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंह वाले गेंडे के लिए फेमस है वह असम में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारी वर्षा, सॉरी यहाँ भाटी नहीं होगा, भारी होगा,
भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बांस के घर बनाने चाहिए, बांस के खंभे पर ढालू छत और मिट्टी और फूस से बने घर, सपाट छतों वाली लकड़ी के घर। दोस्तों इसका आंसर आपको दिख ही रहा है, तो हम आपको बता दें दोस्तों वहां पे क्या होता है, 3 से 4 मीटर ऊपर यानी 10 से 12 फीट ऊपर बांस पर क्या किया जाता है, घर बनाया जाता है, जिसे कि बंबू घर या फिर स्टिल्ट हाउस कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों असम में बात की जाए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उफान के कारण कभी वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आने का चांस हो जाता है, और बाढ़ आने के जब चांसेस ज्यादा हो जाते हैं तो ये घर ऊंचाई पे होते हैं, जिसके कारण वहां पे पानी इनके सतह पर नहीं पहुंच पाता है, और अधिक मात्रा में बांस का उत्पादन होने के कारण वहां पे बांस के घर बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि घटपाड़ी, इसे दोस्तों निफेंटिस भी कहते हैं, जो कीट और मेढक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम। दोस्तों घटपाड़ी, जिसे पीचर प्लांट भी कहा जाता है, दोस्तों यह कीट और मेढकों को क्या करता है, फंसाकर खा जाता है, उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करता है, और यह हमारे देश के पूर्वी राज्य में पाया जाता है, वह सिर्फ पूर्व में एकमात्र राज्य है, वह है मेघालय। बात किया जाए दोस्तों मेघालय के मासिनराम में वर्ष भर में सबसे अधिक बारिश होती है। ये भी पूछा जाता है कि विश्व भर में सबसे अधिक बारिश कहाँ पे होती है, तो हम मेघालय के मासिनराम में होती है। मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलोंग है। दोस्तों नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जहाँ पे सर्प को भी खाया जाता है, और असम की राजधानी है दिसपुर, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती, आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन इनका क्या है 10.5 G/dL। नेक्स्ट है नमन है, जिनका आयु 12 वर्ष है, ए पुरुष है, इनका हीमोग्लोबिन जो है 8 G/dL है। तो उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? आरती अनीमिया यानी कि अल्प रक्तता से पीड़ित है, दूसरा है नमन अनीमिया अल्प रक्तता से पीड़ित है, दोनों ही अमीनिया से पीड़ित है, और दोनों ही अमीनिया से पीड़ित नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही अमीनिया से पीड़ित है, दोनों ही क्या है रक्त अल्पता से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज के इस वीडियो में ओनली 13 क्वेश्चन ही थे, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत सारा रिवाइज भी किया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।